क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी जिसे हम अल मलहमतुल उज़्मा के नाम से जानते हैं, वो अब करीब से करीब तर आ गई है, क्योंकि यहूदी बहुत जल्द मस्जिद अक्सा को शहीद करने जा रहे हैं और इसके लिए इनकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब ये बात मैं इतने वसूख से कैसे कह सकता हूँ और इसकी क्या हकीकत है? It's a key element of biblical prophecy involving the return of Jesus Christ to the earth, building a third temple in Jerusalem. Now there's a movement in Israel to make it happen. नासा के साइंसदानों को 8 अप्रैल 2024 को होने वाले सूरज ग्रहण ने बहुत ही परेशान कर दिया है। NASA has a warning for people who want to get a closer look at next month's total solar eclipse. और साइंसदानों का ये कहना है कि ये सूरज ग्रहण बहुत ही एक रियल इवेंट है जो होने वाला है। और दोस्तों, इस सूरज ग्रहण का यहूदियों की उन लाल बिच्छिया की कुर्बानी से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, जिसके बारे आगे चल के तफसील से बताऊंगा। जबकि नासा के साइंसदानों का ये मानना है कि 8 अप्रैल 2024 को जब सूरज ग्रहण होगा तो एक दमदार सितारा भी उसके साथ जहर होगा, जिसे उन्होंने डेविल कॉमिक कहा है, यानी शैतान की सींगों वाला दमदार सितारा। और ये दमदार सितारा 8 अप्रैल 2024 के सूरज ग्रहण के बाद 21 अप्रैल तक इंसान अपनी खुली आंखों से देख सकेंगे। और ये शैतानी सींगों वाला दमदार सितारा जमीन के पास से गुजरेगा, जबकि कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि ये सितारा सीधा ज़मीन से ही आकर टकराएगा, और 79% इसी बात के चांस हैं कि ये दमदार सितारा ज़मीन से टकरा सकता है। अब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी और बिल्कुल इसके 7 दिन बाद 14 अक्टूबर 2023 को एक सूरज ग्रहण हुआ था। और 8 अप्रैल 2024 को होने वाला सूरज ग्रहण और 21 अप्रैल को डेविल कॉमिक भी नज़र आ जाएगा, जिसके बारे में यहूद और नासारा पहले से ही जानते थे, और दमदार सितारे के बारे में तो 1 साल पहले ही इन्हें मालूम हो गया था। यानी फ़लस्तीन के बच्चों और औरतों की शहादत इन्हें अपने बड़े मिशन के लिए मतलूब थी, जिसे वो रेड हैफर सेक्रीफाइस यानी लाल गाय की कुर्बानी कहते हैं, जिसकी तैयारी बिल्कुल इनकी प्लानिंग के मुताबिक जारी है। और अब 2024 में वो वक्त आन पहुंचा है कि जब निशानियों के मुताबिक सूरज के साथ एक दमदार सितारा जहर होगा, और यहूदियों के मुताबिक यही वो वक्त होगा कि जब उनकी लाल गायों की कुर्बानी जबले जैतून पर अदा की जाएगी, और इन लाल गायों की कुर्बानी के बाद उन्हें जलाकर इस मस्जिद अक्सा के कंपाउंड यानी जिसे टेंपल माउंट कहते हैं, उस राख से इस जगह को पाक किया जाएगा। फिर इसके बाद वो मस्जिद अक्सा और सुनहरे गुंबद को शहीद करके उसकी जगह अपना थर्ड टेंपल यानी हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। हमें लगता था कि वो वक्त बहुत दूर है, ये सब हम कहाँ देख पाएंगे, लेकिन ये सब निशानियाँ हम अपनी आँखों से पूरी होते देख रहे हैं। और इसराइल ने इन 6 माह में जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों को और बिलखसूस औरतों और बच्चों को शहीद किया है, 32,000 से भी ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, और इसराइल ने ये सब कुछ करके मुसलमानों की ताकत को भी देख लिया है। इसलिए मुसलमानों की गैरत और ताकत को सोता देख कर वो अपने मनसूबे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण और दमदार सितारे का जहर होना ये इसराइलियों के लिए एक खुशनसीबी की बात है, और इस कुर्बानी के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी जो कि दज्जाल की शक्ल में होगी। यहूदी कई सालों से इस लाल गाय को तलाश कर रहे थे। आपने अगर सूरा बकरा में गाय का किस्सा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे जिस गाय के कुर्बान करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था उसकी क्या खसूसियात थी। अब यहूदी बड़े अरसे से ऐसी ही खसूसियत वाली गाय तलाश कर रहे थे, और 2022 में अमरीकी रियासत टेक्सास में वो तमाम खसूसियत वाली गाय मिल गई जिसे वो तलाश कर रहे थे। इन 5ों गाय को फ़लस्तीन पहुंचाया गया और इनकी लोकेशन मख्फी रखी गई, इनके मुआयने वगैरह होते रहे, और अब इनमें से 4 गाय ऐसी हैं जो कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, इस कुर्बानी के लिए जबले जैतून पर 12 साल पहले एक प्लाट खरीद लिया गया था, जिस पर कुर्बान गाह भी तैयार हो चुकी है, जहां गाय को जलाया जाएगा और उसके साथ इस हैकल सुलेमानी की तामीर का पहला इकदाम भी पूरा हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि अगले ही दिन मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी तामीर शुरू कर दी जाए, मगर ये रसूमात हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले करना बहुत ज़रूरी है। और निशानियाँ और वक्त के हिसाब से अप्रैल ही वो मुमकिन महीना होगा जिसमें ये रस्म अदा की जाएगी, और इस रस्म के साथ ही हैकल सुलेमानी की तामीर का पहला इकदाम पूरा हो जाएगा। और रस्म के लिए गाय की उम्र 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए,
और अप्रैल में यहूदियों की ईद पर यह कुर्बानी अदा कर दी जाएगी, क्योंकि लाल गाय की कुर्बानी का वक्त आ गया है। क्योंकि अब इसराइल इतना ताकतवर बना हुआ है कि अब उसे इस रस्म और हैकल सुलेमानी की तामीर से कोई मुसलमान डरपोक मुल्क नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछले 5 महीनों में फलस्तीन में जो कुछ होता आ रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और मुसलमानों के ये 52 ममालिक कि जिनमें से किसी के पास एटम बम है या कोई माली तौर पर बहुत ज़्यादा अमीर है, सिवाय मुजम्मत और सफारतकारी के ये तमाम ममालिक इसराइल का कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि लाखों फलस्तीनी शहीद और बेघर कर दिए गए हैं। और वो वक्त दूर नहीं कि जब जंग अजीम सिवम शुरू होने को है, और दुनिया इस वक्त ऐसे अजीम लीडर की तलाश में है जो इस उम्मत को इस भंवर से निकाल सके, क्योंकि ये सब अहादीस के मुताबिक ही पूरा होता नज़र आ रहा है कि जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी, और जब उम्मत जुल्म सितम में गिर चुकी होगी तो तब अल्लाह तबारक व तआला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से अपने एक खलीफे का जहूर खाना काबा में फरमाएगा, जिसकी मदद के लिए काले झंडों वाला लश्कर खुरासान से आएगा। उसके बाद वो काले झंडों वाला लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में यरूशलम और मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे, जो मुसलमानों के हाथों से निकल गई होगी, क्योंकि यहूदियों ने अपना थल टेंपल तामीर कर लिया होगा और फलस्तीन की सरजमीन ही वो जगह बनेगी जहाँ से तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा, यानी अल मलहमतुल उज़्मा आर्मेगेडन, जिसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग इतनी खून रेज होगी कि एक आदमी के 100 बेटे उस जंग में लड़ेंगे तो 99 जंग में मारे जाएंगे, सिर्फ एक ही वापस आएगा। अल्लाह सुबहाना उताला मुसलमानों को ऐसी ताकत व कुव्वत अता फरमाएगा कि मुसलमान ही इस जंग में फतह याब होंगे, और मुसलमान हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में फतोहात करते करते कुस्तुनतुनिया तक जा पहुँचेंगे और उसे भी फतह कर लेंगे। एक रिवायत के मुताबिक तब वहाँ आपको खबर मिलेगी कि दज्जाल का खरूज हो गया है, तब आप कुस्तुनतुनिया से दमिश्क आएंगे तो तब दमिश्क की एक जामिया मस्जिद में दज्जाल आपको घेरे में लेगा, जिसके बाद अल्लाह की जानिब से आसमान से एक और मदद आएगी जो हजरत ईसा की सूरत में मिलेगी। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर नमक की तरह घुलना शुरू हो जाएगा और वो इसराइल की तरफ भागेगा तो हजरत ईसा इमाम के साथ उसका पीछा करेंगे और फलस्तीन में मकाम लुत पर उसे कत्ल कर देंगे, और वो मुसलमानों को हुक्म देंगे कि एक एक यहूदी को चुन चुन कर कत्ल कर दें। यहूदी अपनी जान बचाकर भागेंगे लेकिन ज़मीन पर उन्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी सिवाय गरकद के दरख्त के। हर एक चट्टान हर एक पत्थर अल्लाह के हुक्म से पुकारेगा कि आए मुसलमान, ये है यहूदी, आओ इसे कत्ल कर दो। दज्जाल और यहूदियों के खात्मे के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज फरमा देंगे और फिर एक तावील अरसे तक मुसलमान इस सरजमीन पर अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए, तमाम दुनियावी फितनों से महफूज फरमाए और हमारा शुमार इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में फरमाए।